इन सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर को, तो इसके अंदर देखिए जो हमारे डायटोमिक मॉलिक्यूल है, डायटोमिक जो मॉलिक्यूल है, इसके अंदर जो बॉन्ड है वो कैसा होगा, बिहेव कर रहा है वो एज अ स्प्रिंग। स्प्रिंग की तरह यहाँ पे क्या है, हमारा बॉन्ड होगा इन दो एटम्स के बीच में, हमारा डायटोमिक मॉलिक्यूल है, ये भी मॉलिक्यूल हम मानते हैं, इसका जो मास है वो एम वन है और इसका मास क्या है, एम टू है। तो जो रिड्यूस्ड मास हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, म्यू इज इक्वल टू एम वन एम टू बाई में एम वन प्लस एम टू। तो यहाँ पे जो इनका बॉन्ड है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एज अ स्प्रिंग। हम यहाँ पे मान लेते हैं क्या है, आर इक्विलिब्रियम है, तो स्प्रिंग की तरह बिहेव कर रहा है, तो इसके अंदर क्या होगा, अब कॉन्ट्रैक्शन भी होगा और इलोंगेशन भी होगा। क्या होगा इसके अंदर, कॉन्ट्रैक्शन भी और इलोंगेशन भी। ये हमारा क्या है, बॉन्ड है, इसके अंदर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन भी होगा और इलोंगेशन भी होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट भी करेगा और इलोंगेट भी होगा। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन से यहाँ पे क्या होगा बच्चों, बॉन्ड लेंथ के अंदर चेंज आएगा, इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से चेंज आएगा इसकी बॉन्ड लेंथ के अंदर। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, जब एक हमारे पार्टिकल की चेंज आती है बॉन्ड लेंथ में, उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से जब चेंज होता है उसकी बॉन्ड लेंथ के अंदर, तो वहां पे जो है अब ये चेंज हो रही है इसकी बॉन्ड लेंथ, तो यहाँ पे एक जो फोर्स है वो एक्ट करती है, जिसे हम बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स यहाँ पे एक्ट करती है, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में होती है। देखिए अगर मान लीजिए ये हमारा पार्टिकल है, ये क्या कर रहा है, पहले इसने क्या किया, इलोंगेट किया, तो जब ये इलोंगेट होगा तो अब देखिए यहाँ पे इसकी डायरेक्शन है, तो इस साइड ये क्या होगा, इलोंगेट होगा, तो जो हमारी रिस्टोरिंग फोर्स होगी वो क्या होगी, इसकी अपोजिट लगेगी, ठीक है। और मान लीजिए ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, अब ये क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट करा, तो यहाँ पे क्या हो रही है, कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इस साइड इसकी डायरेक्शन है, कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो क्या होगी, इस वाले डायरेक्शन में लगेगी, मतलब जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। तो यहाँ पे हम क्या मान रहे हैं, जो बॉन्ड है इस एटम्स के बीच में, इस डायटोमिक मॉलिक्यूल में जो एटम्स के बीच में बॉन्ड है वो कैसा बिहेव कर रहा है, एज अ स्प्रिंग। तो यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगी और क्या होगी, हमारी इलोंगेशन होगी और क्या होगी, फिर हमारी कॉन्ट्रैक्शन होगी। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है या फिर ऑसिलेट कर रहा है। तो जब हमारा जो मॉलिक्यूल, जो पार्टिकल होता है, जब वो मूव करता है अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से, तो वहां पे क्या होता है, चेंज होता है बॉन्ड लेंथ के अंदर, चेंज आएगा और यहां पे जो है एक रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो एक्ट करती है, किसमें, अपोजिट डायरेक्शन में। अगर ये इलोंगेट होगा तो क्या होगा, इस डायरेक्शन में इलोंगेट हुआ तो रिस्टोरिंग फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी, मतलब वो क्या होगी, अपोजिट लगेगी। सो यहां पर हम क्या लेंगे, when a particle is displaced from its equilibrium position, the restoring force starts acting on it, restoring force यहां पर क्या होगी, act करेगी और वो भी किसमें, opposite direction में, start acting on it in the opposite direction, और वो अपोजिट डायरेक्शन में कर रही है, किस लिए, अपोजिट डायरेक्शन में, टू रिस्टोर इट टू इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, वापस से उसको इक्विलिब्रियम पोजीशन में लाने के लिए वो क्या कर रही है, हमारी अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगी, एक्ट करेगी, जो हमारी रिस्टोरिंग फोर्स होगी वो। सो when the particle is displaced, जो हमारा पार्टिकल जो है वो डिस्प्लेस्ड होगा अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से, तो वहां पे जो है एक रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेगी अपोजिट डायरेक्शन में, टू रिस्टोर टू इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, उसे हम क्या बोलेंगे, हमारी रिस्टोरिंग फोर्स। तो यहाँ पे जो हमारी रिस्टोरिंग फोर्स होगी वो किसके इक्वल होती है, माइनस ऑफ के एक्स, इसके बराबर होती है, और इसे हम क्या बोलते हैं, हुक्स लॉ। क्या बोलते हैं बच्चों इसे, हम हुक्स लॉ, इसे हम बोलते हैं हुक्स लॉ। और एफ क्या है, यहाँ पे हमारी रिस्टोरिंग फोर्स है, एफ इज द रिस्टोरिंग फोर्स, और एक्स यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट
डिस्प्लेसमेंट और के यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है जिसे हम फोर्स कांस्टेंट बोलते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट या फिर हम बोलते हैं फोर्स कांस्टेंट, जिसे हम क्या बोलते हैं फोर्स कांस्टेंट। सो एफ रिस्टोरिंग फोर्स, एक्स जो हमारे डिस्प्लेसमेंट और की क्या है फोर्स कांस्टेंट। और यहाँ पे ये जो नेगेटिव साइन है इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि जो हमारी फोर्स है वो एक्ट कर रही है अपोजिट डायरेक्शन में, जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। सो नेगेटिव साइन का मतलब क्या है, नेगेटिव साइन फोर्स एक्ट्स इन द डायरेक्शन रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट्स इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन के अपोजिट क्या करेगी, जो हमारी स्टोरिंग फोर्स है वो एक्ट करेगी, इसलिए यहाँ पे हमने क्या यूज किया है, नेगेटिव साइन का यूज किया है। तो जब भी इक्विलिब्रियम पोजीशन से यहाँ पे बॉन्ड लेंथ में चेंज आएगा, जब भी जो हमारा पार्टिकल है वो डिस्प्लेस्ड होगा, तो यहाँ पे एक जो हमारी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगती है जिसे हम क्या बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। और वो किसके इक्वल होती है, हमारी स्टोरिंग फोर्स के एक्स के बराबर होती है, एक्स यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और के क्या यहाँ पे हमारा फोर्स कॉन्स्टेंट है। ओके, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर V इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। तो जो पोटेंशियल एनर्जी होती है हमारी सिंपल हार्मोनिक जो ऑसिलेटर है उसकी, वो किसके इक्वल होती है, हाफ के एक्स स्क्वायर के। अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन इसके बीच में, तो हमें एक पैराबोला देखने को मिलता है। ओ यहां से क्या हो रही है, हमारी डिस्प्लेसमेंट इस साइड होगी या फिर उस साइड होगी, ओरिजिन से माइनस एक्स है और उस साइड की हमारा प्लस एक्स है, यहां पर क्या हो रही है हमारी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। तो जैसे हम ग्राफ प्लॉट करते हैं इन दोनों के बीच में, तो हमें एक पैराबोला ऑब्टेन होता है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, दी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर हैविंग मास एम, मास एम इज गिवन बाय। तो अगर हम देखते हैं वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, तो वो किसके बराबर होती है, न्यू इज इक्वल टू 1/2 pi अंडर रूट के अपॉन एम। तो ये क्या होती है, हमारी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होती है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की हैविंग मास एम। बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की, वाइब्रेटिंग डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की, तो यहाँ पे जो मास एम है उसको हम रिप्लेस कर देंगे बाय द रिड्यूस्ड मास म्यू से। ओके, सो बट For a vibrating diatomic molecule, the mass m, जो mass m है उसको हम replace किससे कर देंगे, the mass m is replaced by the reduced mass, by the reduced mass mu, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, mu that is equal to 1/2 pi under root k by mu। तो ये हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, वाइब्रेटिंग डायटोमिक मॉलिक्यूल की। तो जो मास है मैं उसको हम किससे रिप्लेस कर देंगे, रिड्यूस्ड मास म्यू से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यू इज इक्वल टू जो हमारी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी वो किसकी इक्वल हो जाएगी, 1/2 pi अंडर रूट के बाई म्यू। और म्यू क्या है, यहाँ पे हमारे पास रिड्यूस्ड मास है जो किसके इक्वल होता है, m1 plus m2। और म्यू है क्या,
म्यू इज द रिड्यूस्ड मास ऑफ डायएटॉमिक मॉलिक्यूल. म्यू इज द रिड्यूस्ड मास ऑफ डायएटॉमिक मॉलिक्यूल. वाइब्रेशनल एनर्जी, अगर हम यहां पे देखते हैं वाइब्रेशनल एनर्जी को, तो किसके इक्वल हो जाएगी? ई वी, दैट इज इक्वल टू वी प्लस हाफ और एच न्यू की. और ये किसमें? हमारी जूल्स के अंदर है. किसमें है? जूल्स में ये हमारी एनर्जी आई है, दैट इज वी प्लस हाफ एच न्यू. और यहाँ पे जो न्यू है वो क्या है? वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी. और वी क्या है? वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर. सो वी इज द वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर. और न्यू वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी जो v है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? हमारी 0, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से, ठीक है, हो जाएगी. और हम बात करते हैं किसके टर्म्स में? वेव नंबर्स के टर्म्स में. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? सेंटीमीटर इनवर्स में लेंगे एनर्जी को. और जब हम सेंटीमीटर इनवर्स में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं एच सी सी. सो एनर्जी को किसमें लेंगे? इन सेंटीमीटर इनवर्स. तो हम क्या कर देंगे? डिवाइड बाई एच सी, एनर्जी इन वाइब्रेशनल एनर्जी इन सेंटीमीटर इनवर्स. तो हम क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे एच सी से. तो क्या आ जाएगी? ई वी बार, दैट इज इक्वल टू वी प्लस हाफ, दैट इज ओमेगा ई. तो इसके बराबर आ जाएगी हमारी वाइब्रेशनल एनर्जी सेंटीमीटर इनवर्स में, ठीक है. और वी क्या है यहाँ पे? हमारा वही वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर. और ओमेगा ई क्या है? ये है हमारी इक्विलिब्रियम वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी. ओमेगा ई क्या है? इक्विलिब्रियम वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी क्या है? ये हमारी इक्विलिब्रियम वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है. और हम यहाँ पे पुट करेंगे वी को क्या? 0, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से हम पुट करते जाएंगे वी की वैल्यू को. और हमें क्या मिल जाएंगी? जो हमारे वाइब्रेशनल लेवल है उनकी एनर्जीज हमें मिल जाएंगी. तो देखो, अगर हम वी की वैल्यू को यहाँ पे 0 पुट करते हैं, अगर मैंने ई की वैल्यू को क्या पुट किया है? 0, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? हाफ ओमेगा ई हो जाएगा. और अगर मैं इसी को क्या पुट करूं? 1 पुट करती हूं, तो मुझे क्या मिलेगा? 1, 2, 1 कितना हो गया? 2 + 1, 3/2. तो कितना आ जाएगा? 3/2 ओमेगा ई. इस तरीके से मुझे एनर्जीज मिलते रहेंगे, जो मेरी वाइब्रेशनल एनर्जीज जो क्या है? एनर्जीज है वाइब्रेशनल लेवल्स की, ठीक है. तो अगर 0 है तो कितना आ गया? हाफ ओमेगा ई. और अगर क्या हमने वैल्यू पुट की है वी की? 1 की है, तो 3/2 ओमेगा ई. और अगर मैं करती हूँ यहाँ पे 2, तो कितना आ जाएगा? 2 × 2 = कितना हो जाएगा? 4 + 1 कितना हो गया? 5/2 ओमेगा ई. तो कितना आ गया यहाँ पे? 5/2 ओमेगा ई. और इसी तरीके से अगर यहाँ पे हम किसको पुट करते हैं? 3 को पुट करते हैं, तो कितना हो जाएगा? 3 × 2 = 6, 6 + 1 = 7/2 ओमेगा ई. इस तरीके से हो जाएगा 7/2 ओमेगा ई. और यहाँ पे अगर हम 4 पुट करते हैं, तो 4 × 2 = 8 कितना हो गया? 8 + 1 = 9/2 ओमेगा ई. तो इस तरीके से आ जाएंगी वैल्यूज 9/2 ओमेगा ई. यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया, सिंपली हमने पुट किया है किसको? वी की वैल्यू को. यहाँ पे वी की वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट कर दिया, और जो हमारी एनर्जीज है वो हमें इस तरीके से मिल जाएंगी, जो वाइब्रेशनल एनर्जी है वो सेंटीमीटर इनवर्स की टर्म्स में. तो हाफ ओमेगा ई, जब 0 वैल्यू थी तो कितना आया था? हाफ ओमेगा ई. और जब 1 थी तो कितना है? 3/2 ओमेगा ई, 3/2 ओमेगा ई. और जब 2 हो गया तो कितना है? 5/2 ओमेगा ई, 5/2 ओमेगा ई. और जब क्या था हमारा? 3 था, तो कितना था? 7/2 ओमेगा ई, 7/2 ओमेगा ई. और जब 4 है तो 9/2 ओमेगा ई, 9/2
टू ओमेगा, इसी तरीके से हम फाइव रखेंगे, सिक्स रखेंगे, तो जैसे जैसे हम क्या रखते जाएंगे इसमें वी की वैल्यू पुट करते जाएंगे, हमारे पास क्या आ जाएंगी, जो हमारे वाइब्रेशनल लेवल है उनकी एनर्जीज हमें ऑब्टेन हो जाएंगी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारी एनर्जी इंक्रीज हो रही है साइड में, और यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं, इक्वली स्पेस्ड वाइब्रेशनल जो हमारे एनर्जी लेवल्स है उनको सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के, देखिए ये क्या है, इक्वली स्पेस है, ठीक है। यहाँ पे जो हमें मिलती है वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की, वो क्या होते हैं, हमारे इक्वली स्पेस्ड होते हैं, क्लियर है ये बात। सो द वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स, इन सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, आर इक्वली स्पेस्ड। जैसे कि हम यहां पे देख पा रहे हैं, इक्वली स्पेस जो हमारे वाइब्रेशन एनर्जी लेवल्स है उनको सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की, ठीक है। तो देखिए यहां पे हम एक पॉइंट है जो नोट करना है, जब हमारी वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर की वैल्यू जीरो थी, यहाँ पे क्या है, हमारी जीरो वैल्यू है, जब भी जो हमारी एनर्जी है, जो हमारी वाइब्रेशनल एनर्जी है वो क्या है, वाइब्रेशनल लेवल के अंदर जो हमारी एनर्जी है वो क्या नहीं आ रही है, जीरो नहीं आ रही है। इसका मतलब क्या है कि जो मॉलिक्यूल है उसके पास कभी भी जीरो वाइब्रेशनल एनर्जी नहीं हो सकती, और इसे ही हम क्या बोलते हैं बच्चों, जीरो पॉइंट एनर्जी। ऑल राइट, क्या बोलेंगे हम इसे, जीरो पॉइंट एनर्जी। तो इसको हम नोट करते हैं, जीरो पॉइंट एनर्जी। तो जब वी की वैल्यू हमने क्या पुट की थी, जीरो, V की वैल्यू क्या थी, जीरो थी, वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या थी, जीरो थी, तो क्या आया था, E दैट इज इक्वल टू, E बार हम यहां पे लिखेंगे सेंटीमीटर इनवर्स में हम ले रहे हैं, तो V प्लस हाफ, तो यहां पे हम क्या रख देंगे, जीरो वैल्यू, तो क्या आएगा, हाफ ओमेगा E, ये किस में आई है, सेंटीमीटर इनवर्स में, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे यहीं पे जूल्स के अंदर, तो क्या आ जाएगा, हाफ एच न्यू, ये क्या आ गई हमारी जूल्स के अंदर, किसमें आ जाएगी, ये जूल्स के अंदर हमारी एनर्जी क्या आ रही है, हाफ एच न्यू, और अगर हम देखते हैं सेंटीमीटर इनवर्स में तो कितनी आ रही है, ई वी बार दैट इज इक्वल टू हाफ ओमेगा ई, और इसे ही बच्चों हम क्या बोलते हैं, इसे ही हम क्या बोलते हैं, जीरो पॉइंट एनर्जी, क्या बोलते हैं इसको हम, जीरो पॉइंट एनर्जी, जीरो पॉइंट एनर्जी हम इसे बोलते हैं। और इसका मतलब यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि जो मॉलिक्यूल है कैन नेवर हैव जीरो वाइब्रेशनल एनर्जी, ठीक है, उसके पास जीरो वाइब्रेशनल एनर्जी कभी नहीं हो सकती, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, द मॉलिक्यूल कैन नेवर हैव जीरो वाइब्रेशनल एनर्जी, मतलब जो हमारा मॉलिक्यूल है उसके पास जीरो जो है, कैन नेवर, कभी भी उसके पास जीरो वाइब्रेशनल एनर्जी नहीं हो सकती, बिकॉज हमने देख लिया जो वाइब्रेशनल जो हमारा क्वांटम नंबर था जीरो था, जब भी हमारी एनर्जी किसके बराबर आ रही है, हाफ ओमेगा ई, और इसे ही हम क्या बोलते हैं बच्चों, जीरो पॉइंट एनर्जी बोलते हैं। ऑल राइट, सिलेक्शन रूल, देखिए जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है उसके लिए सिलेक्शन रूल क्या है, डेल वी दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस वन। तो यहां पे जब हमारी वाइब्रेशनल ट्रांजिशन होगी तो वहां पे जो चेंज आएगा वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर में वो क्या होगा, वन के बराबर होगा। सो फॉर अ वाइब्रेशनल ट्रांजिशन द चेंज इन वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर फिर बोल सकते हैं, द वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर कैन चेंज बाय वन, क्वांटम नंबर कैन चेंज बाय वन पे सिर्फ क्या होगा, एक
जो हमारा ये आएगा वाइब्रेशनल ट्रांजिशन जब होगी तो वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर के अंदर जो चेंज आएगा वो किसके इक्वल होना चाहिए, वन के इक्वल होना चाहिए। और यहाँ पे क्या होगा, वन के इक्वल होगा तो सिलेक्शन रूल क्या होगा हमारे सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए, डेल वी दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस वन, प्लस है तो क्या एब्जॉर्प्शन, माइनस है तो एमिशन। सो डेल वी दैट इज इक्वल टू, अगर प्लस वन है तो एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, और अगर डेल वी माइनस वन है तो क्या हो जाएगा एमिशन, क्या हो जाएगा एमिशन। सो हम अप्लाई करते हैं सिलेक्शन रूल को, डेल वी क्या होगा दैट इज इक्वल टू प्लस वन, अप्लाइंग सिलेक्शन रूल डेल वी इज इक्वल टू प्लस वन। सो मान लीजिए जो हमारी ट्रांजिशन है वो कहां से कहां पे हो रही है, ट्रांजिशन हमारी हो रही है ट्रांजिशन फ्रॉम वी टू वी प्लस वन, यहां पे हमारी ट्रांजिशन हो रही है वी से वी प्लस वन में जो है हमारी ट्रांजिशन हो रही है। तो यहाँ पे जो वाइब्रेशनल एनर्जी आएगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, दैट इज डेल ई वी बार दैट इज इक्वल टू किसके बराबर होगी, ई वी प्लस वन माइनस ई बार, ई बार वी इसी के इक्वल हो जाएगी। और हमें पता है ये किसके इक्वल होती है, जब सेंटीमीटर इनवर्स में हमारी वाइब्रेशनल एनर्जी होती है तो किसके बराबर होती है, वी प्लस हाफ ओमेगा ई के इक्वल होती है, यही होती है। तो यहाँ पे हमें क्या रखना है, पहले वी प्लस वन उसके बाद वी, तो क्या हो जाएगा वी प्लस वन एंड प्लस हाफ ओमेगा ई, यही हो जाएगा बिकॉज उसका फॉर्मूला क्या होता है, वी प्लस हाफ वी प्लस वन बाय टू ओमेगा ई, यही होता है हमारा। तो यहाँ पे हमें क्या रखना है, v प्लस वन, तो v प्लस वन प्लस हाफ ओमेगा e, और यहाँ पे हम v सिंपल पुट कर देंगे दैट इज माइनस आ जाएगा यहाँ पे, तो ये क्या हो गया v प्लस वन बाय टू एंड ओमेगा e, ये हो जाएगी हमारी। तो जो हमारा गैप आएगा एनर्जी गैप, यहां से हम देखेंगे कितना हो जाएगा, तो v प्लस वन प्लस हाफ है तो क्या हो जाएगा v प्लस थ्री बाय टू, इसको मुंह पर ले लेते हैं, तो यहां से देखिएगा डेल वी दैट इज इक्वल टू प्लस वन। तो देखिए अब यहां पे क्या आ गई हमारी वैल्यू, वी प्लस हाफ वी प्लस वन बाय टू ओमेगा ई, तो यहां से हम अगर कैलकुलेट करेंगे तो वी प्लस थ्री बाय टू हो जाएगा। तो यहां पे जो हमारी डेल ई वी बार है वो किसके इक्वल आ जाएगी, अब वी प्लस थ्री बाय टू, वी प्लस थ्री बाय टू ओमेगा ई, यही हो जाएगा। v प्लस वन है प्लस हाफ है तो कितना हो गया टू, टू प्लस टू इंटू वन, तो टू प्लस वन बाई टू कितना हो गया थ्री बाई टू ओमेगा ई, और माइनस में क्या है हमारा v प्लस हाफ ओमेगा ई, तो यहाँ पे सिंपल यही आ जाएगा v प्लस वन बाई टू ओमेगा ई, ये हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे हम देखिए ओमेगा ई क्या है, इन दोनों में कॉमन है तो इसको बाहर निकाल लेते हैं हम, ओमेगा ई क्या आ गया हमारा कॉमन आ गया, ओमेगा ई कॉमन है तो यहां से देखिए अब क्या हो जाएगा वी प्लस थ्री बाई टू एज इट इज ही हमारा माइनस में आ जाएगा, सो माइनस वी एड माइनस वन बाई टू बिकॉज हमने ओमेगा ई यहाँ पे क्या ले लिया है कॉमन ले लिया, ठीक है बच्चों, तो ओमेगा ई को हमने कॉमन ले लिया तो क्या हो गया वी प्लस थ्री बाई टू माइनस वी माइनस हाफ, तो यहां से वी से क्या हो जाएगा हमारा वी कैंसिल हो जाएगा, सो डेल ई वी दैट इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा ओमेगा ई एंड थ्री बाय टू माइनस वन बाय टू, और यहां से अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो कितना आ जाएगा थ्री माइनस वन कितना हो जाएगा टू बाय टू, तो कितना आ गया वन, टू से टू क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे किसके बराबर आ गई ये सिंपल हमारी ओमेगा ई के बराबर आ गई, ओमेगा ई सेंटीमीटर इनवर्स। तो हमें यहां से क्या पता चल रहा है, यहां से हमें ये पता चल रहा है कि जो हमारा गैप होगा जो एनर्जी गैप आएगा वो क्या रहेगा, हमेशा ओमेगा ई रहेगा, जो हमारा गैप आएगा वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स के अंदर वो कितना रहेगा हमारा ओमेगा ई रहेगा। सो ऑल ऑल दी वाइब्रेशनल लेवल्स The vibrational levels are equally spaced. वो क्या होंगे equally spaced होंगे या equally spaced with a spacing equal to omega e centimeter
इनवर्स। तो जो हमारे सभी वाइब्रेशनल लेवल्स होंगी वो क्या होंगी, इक्वली स्पेस्ड होंगी हमारी, और वहां पे स्पेसिंग कितनी होगी हमारी, ओमेगा ई सेंटीमीटर इनवर्स। ओके, ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी कर्व है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए, और ये हमारे एनर्जी लेवल्स हैं। वी है यहाँ पे वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर है, वी 0, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से होगा, और यहाँ पे जो हमारी गैप है, जो स्पेसिंग है एनर्जी लेवल्स के बीच में, वो किसके इक्वल है, ओमेगा ई सेंटीमीटर इनवर्स के इक्वल है हमारे सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में। और जो हमारी एनर्जी लेवल्स हैं वो क्या है, इक्वली स्पेस्ड हैं, क्लियर है। और रूम टेम्परेचर पे क्या होता है बच्चों, जो हमारे मोस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं ग्राउंड वाइब्रेशनल लेवल में। कहाँ पे होते हैं, ग्राउंड वाइब्रेशनल लेवल पे होते हैं। और जब हम कंपेयर करते हैं ग्राउंड वाइब्रेशनल लेवल से जो हमारे हायर लेवल्स हैं उनका, तो वहां पे जो पॉपुलेशन होती है वो नेग्लिजिबल होती है उसके कंपेयर में। तो इसलिए जो हमारी मोस्ट इंटेंस जो हमारी ट्रांजिशन होती है वो कहां से कहां होती है, 0 से 1 में, और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होती है उसे हम बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सो एट रूम टेम्परेचर, At room temperature, most of the molecules are present in the ground वाइब्रेशनल लेवल। किसमें होते हैं, ग्राउंड वाइब्रेशनल लेवल में होते हैं। वेयर एज द पॉपुलेशन इन हायर लेवल्स, इन हायर लेवल्स आर कंपैरेटिवली Whereas the population in higher levels are comparatively negligible, so the most intense transition is that which takes place from V is equal to 0 to V is equal to 1, and the vibrational frequency corresponds to this transition, this excitation is called, correspond to this excitation is called fundamental frequency। उसे हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। सो एट रूम टेम्परेचर जो मोस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं ग्राउंड वाइब्रेशनल लेवल में, जबकि जब हम कंपेयर करते हैं पॉपुलेशन को हायर लेवल्स में वो कंपैरेटिवली नेग्लिजिबल होती है। सो जो हमारी मोस्ट इंटेंस ट्रांजिशन हो जाएगी, द मोस्ट इंटेंस ट्रांजिशन इज दैट, कौन सी होगी, जो टेक्स प्लेस होगी फ्रॉम V इज इक्वल टू 0 टू V इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे जो हमारी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होगी इस एक्साइटेशन के कोरस्पॉन्ड्स, उसे हम क्या बोलेंगे, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट हम देखते हैं आइसोटॉपिक इफेक्ट। आइसोटॉपिक इफेक्ट, तो देखिए आइसोटॉपिक इफेक्ट क्या होता है। आइसोटॉप हम जानते हैं सबसे पहले क्या होते हैं, आइसोटॉप वो होते हैं जिनके पास सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर होता है। सो आइसोटॉप क्या हो जाएंगे, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, बट डिफरेंट मास नंबर। आइसोटॉप्स वो होते हैं, वो स्पीशीज जिनके पास सेम एटॉमिक नंबर होता है बट डिफरेंट उनका मास नंबर, वो वही होते हैं हमारे आइसोटॉप्स होते हैं। हमने देखा कि जो हमारी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होती है वो डिफरेंट आती है आइसोटॉपिक मॉलिक्यूल्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल यहां पर हम लेते हैं HCl को, यहां पर हाइड्रोजन का जो
हम ले रहे हैं वन है, हाइड्रोजन वन है यहाँ पे जिसका मास है, और सीएल है यहाँ पे 35, और यहाँ पे हमने ले लिया है H2, इससे क्या ले लिया हमने आइसोटॉप ले लिया है, और यहाँ पे सीएल क्या है हमारा 35, तो ये क्या हो गया हमारे आइसोटॉप्स हो गई। इसी तरीके से हम यहाँ पे वन लेते हैं और यहाँ पे क्या 35 के बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे वन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 37, इसका हमने आइसोटॉप ले लिया, यहाँ पे क्या आ गया 37, मतलब इनके पास सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, तो ये क्या हो गया हमारे आइसोटॉप्स हो गई है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए जो हमारी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है 1/2 pi अंडर रूट के अपॉन में म्यू, ये जो हमारी फ्रीक्वेंसी है जो नॉर्मल डायटोमिक मॉलिक्यूल है ये उसकी है, नॉर्मल डायटोमिक मॉलिक्यूल की, डायटोमिक मॉलिक्यूल की, और यहां पे हम लेते हैं न्यू डैश 1/2 pi अंडर रूट के अपॉन म्यू डैश। ठीक है, म्यू क्या है हमारा रिड्यूस्ड मास है आइसोटॉपिक मॉलिक्यूल का, और यहाँ पे जो न्यू डैश है वो हमारी क्या है वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है जो हमारे आइसोटॉपिक जो हमारे डायटोमिक मॉलिक्यूल है उसकी, आइसोटॉपिक डायटोमिक मॉलिक्यूल, डायटोमिक मॉलिक्यूल, क्लियर। तो यहां से अगर हम करते हैं न्यू डैश बाई न्यू तो क्या आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट म्यू अपॉन म्यू डैश, ये हमारे पास आ जाएगा। तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि जो हमारा हेवियर जो होगा आइसोटॉप उसकी जो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पे हम क्या लिखते हैं दी हेवियर आइसोटॉप हैज दी स्मॉलर वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, उसके पास क्या होगी स्मॉल वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होगी जो हमारा हेवियर आइसोटॉप होगा। ओके,